बच्चा पहले आया या मुर्गी, इस सवाल का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर कंफ्यूजन का सलूशन, आपकी हर उलझन की सुलझन का निवारण मिलेगा आपको नॉलेज मंत्रा इस शो में, जहाँ हिस्ट्री से लेकर विज्ञान से जुड़े हर पहलू पर होगी चर्चा और ज्ञान का मिलेगा डोज, सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज प्रेजेंस नॉलेज मंत्रा में। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे नॉलेज मंत्रा इस शो में। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात ऑलमोस्ट हर किसी से आपने सुनी होगी। जहां आज 1 रुपए में सिर्फ एक चॉकलेट खरीदी जा सकती है, वही एक जमाना था जब 1 रुपए में नागपुर स्टेशन बनाने के लिए जमीन का सौदा किया गया था। ये बात सुन के आपको जरूर हैरानी होगी और शायद आपको ये बात झूठ भी लग रही होगी, लेकिन ये सच है और आज के हमारे शो का यही फैक्ट नंबर 1 है। समय तेजी से बदल रहा है और समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। एक जमाना था जब लोगों के साथ इतने पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे वह अपने जीवन को आसानी से बिता सकते हैं। समय के साथ अब पैसे की वैल्यू में भी गिरावट आ रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आज के समय में 1 रुपए की कीमत कोई नहीं जानता। आज मामूली सी लगने वाली रकम में पहले के जमाने में आलीशान भवन तैयार हो जाते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1 रुपए में नागपुर स्टेशन बनाने के लिए जमीन का सौदा किया गया था। हालांकि यह सुनकर हर किसी को अजीब लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दरअसल यह बात आजादी से पहले की है, जब खैरागढ़ के राजा ने इस जमीन का सौदा अंग्रेजों के हाथ सिर्फ 1 रुपए में ही कर दिया था। बाद में यहाँ नागपुर रेलवे स्टेशन बना था। नागपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना आज से लगभग 93 साल पहले 15 जनवरी 1925 में की गई थी। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना तत्कालीन गवर्नर सिल फ्रैंक ने कराई थी। नागपुर का रेलवे स्टेशन भी आम नहीं है, इसके निर्माण के लिए खास बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें सामनेर से लाया गया था। नागपुर रेलवे स्टेशन पर आपको 8 प्लेटफॉर्म नजर आएंगे। इसको देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। वर्तमान समय में यहाँ रोजाना लगभग 92 सवारी गाड़ी और लगभग 200 मालगाड़ी गुजरती है और 22 ट्रेनें तो यहाँ से बनकर चलती है। अगर आज के समय में आपसे कहा जाए कि नागपुर रेलवे स्टेशन की कीमत क्या होगी, तो शायद आप संख्या के पीछे 0 लगाते समय कंफ्यूज हो जाए। करोड़ों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए ट्रेनें मुहैया कराने वाला नागपुर स्टेशन है। आमतौर पर हम सभी को रोज किसी ना किसी बात पर गुस्सा आता है, मगर कुछ लोगों की आदत में ही गुस्सा करना शामिल होता है। अगर आप भी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते तो जरा कंट्रोल करें, क्योंकि आपका गुस्सा ही आपको मोटापे का शिकार बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे फैक्ट नंबर 2 में। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो जरा कंट्रोल करें, आपका गुस्सा आपको मोटापे का शिकार बना सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित इस शोध में माना गया है कि बहुत अधिक गुस्सा करने वाले पुरुषों के बॉडी मास इंडेक्स में तेजी से बदलाव आते हैं और वे जल्दी मोटे होते हैं। वहीं अधिक गुस्सा करने वाली महिलाओं का वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा में उनमें ऐसा कम होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं, जैसे गुस्से में चेहरे का लाल होना, शरीर का कांपने लगना, आंखों का लाल हो जाना, सोचने समझने की शक्ति खो जाना आदि। ये सारे बदलाव कुछ खास केमिकल्स या हार्मोन के कारण होते हैं, जैसे एड्रेनलिन, CHR और कॉर्टिसोल। इन हार्मोन्स को आपका दिमाग तब रिलीज करता है जब कोई चीज आपके मन के मुताबिक नहीं होती। इसे एड्रेनलिन हार्मोन के कारण आपको गुस्सा आता है। इस दौरान आपका शरीर काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसके कारण शरीर गर्म हो जाता है और रक्त प्रवाह बढ़ने से आंखें और चेहरा लाल हो जाते हैं। गुस्सा शांत होने के बाद आपके शरीर में एड्रेनलिन का स्तर घटने लगता है, जिसके बाद आप शांत हो जाते हैं। मगर कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण आपका गुस्सा तुरंत शांत नहीं होता और आप थोड़े समय तक चिंता और सोच में परेशान रहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन गुस्से में रिलीज की गई ऊर्जा को वापस पाने के लिए शरीर आपको भूख लगने का संकेत भेजता है। यही कारण है कि जब आप परेशान होते हैं और बहुत अधिक चिंता करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा भूख लगती है। गुस्से का हमारे सोचने समझने की योग्यता पर भी असर पड़ता है।
इसलिए अक्सर लोग गुस्से के बाद कुछ ऐसा खाते हैं जो उनकी जीभ को अच्छा लगे, भले ही वो हेल्दी ना हो। गुस्सा आपके पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ाता है। इसका कारण है कि कॉर्टिसोल हार्मोन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीरे कर देता है, जिसके कारण आपके द्वारा लिया हुआ भोजन पूरी तरह एनर्जी में नहीं बदलता बल्कि फैट में बदलने लगता है। यही कारण है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस हो जाने पर आपके पेट के आसपास के हिस्से में फैट की एक परत जमा होने लगती है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। आम खाना हर आमो खास इंसान को अच्छा लगता है। गर्मियां आते ही हर किसी को आम खाने की क्रेविंग होती है और अक्सर बाजारों में आम 80 से 90 रुपए डजन के भाव से मिल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी आम है जिसकी कीमत लाखों में है। इस आम को साल 2017 में लगभग 272,000 रुपए में बेचा गया था। ऐसा क्या खास है इस आम में, आइए जानते हैं हमारी थर्ड फैक्ट में। दुनिया के सबसे महंगे आम का दर्जा जापानी आम की एक किस्म को मिला हुआ है। तायोना टमैगो नाम के ये आम वहाँ की मियाजारी प्रांत में पैदा होता है। इस आम में मिठास के साथ अनानास और नारियल का हल्का सा स्वाद भी होता है। इसे एक खास तरीके से तैयार करते हैं। इसके तहत आम के पेड़ पर फल आते ही एक एक फल को जालीदार कपड़े से बांध दिया जाता है। ये इस तरह होता है कि फल पूरी तरह से धूप पड़े जबकि जाली वाले हिस्से बचे रहे। इससे आम की रंगत ही अलग होती है। पकने के बाद फल जाली में ही गिरकर लटकते हैं, तब जाकर उन्हें निकाला और बेचा जाता है। पेड़ पर लगे आम को किसान नहीं तोड़ते, वे मानते हैं कि इससे फल का स्वाद और पौष्टिकता चली जाती है। यानी जापानी किसानों की नजरों से देखिए तो तायोना तमागो पूरी तरह से पका हुआ फल है और ऐसा है भी। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट और सुगंधित होता है। इसकी कीमत भी इसके स्वाद जितनी बड़ी चढ़ी है। ये मार्केट में फलों की दुकान पर नहीं मिलता बल्कि इसकी बोली लगती है। नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत देने वाले के हाथ ये फल लगता है। जैसे साल 2017 में तो आमों की कीमत लगभग 272,000 रुपए थी। यह ये भी जान ले कि एक आम लगभग 350 ग्राम का होता है, यानी एक किलो से भी कम आम के लिए 3.5 लाख रुपए दिए गए। तायोना तमागो आम को जापानी कल्चर में भी खूब मान्यता मिली हुई है। इसे एग ऑफ द सन कहते हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी में तैयार होता है। साथ ही लोग इसे तोहफे में देते हैं। माना जाता है कि इससे तोहफा पाने वाले की किस्मत सूरज जैसी रोशन हो जाती है। यही कारण है कि जापान में त्योहार या खास मौके पर ये आम भी दिया जाता है, लेकिन लेने वाले इसे खाते नहीं बल्कि किसी तरीके से संरक्षित करके सजा देते हैं। वही इस आम की रंगत ही अलग होती है। नॉलेज मंत्रा के आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नॉलेज मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार। अंडा पहले आया या मुर्गी, इस सवाल का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर कंफ्यूजन का सलूशन, आपकी हर उलझन की सुलझन का निवारण मिलेगा आपको नॉलेज मंत्रा इस शो में। जहां हिस्ट्री से लेकर विज्ञान से जुड़े हर पहलू पर होगी चर्चा और ज्ञान का मिलेगा डोज, सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज प्रेजेंट्स नॉलेज मंत्रा में।